आज का दिन और ये गुरु पूर्णिमा और हैदराबाद हमारे जीवन में, हमारे जीवन की किताब में एक सुवर्ण पुष्प है। ये हमारे जीवन की एक धरोहर बन जाएगी आज की गुरु पूर्णिमा। सिद्धाश्रम सबसे ही ऐसा है कि हम रोमांचित हो जाते हैं देखने की, या दीक्षा प्राप्त करने की बात तो आगे की है। आज से 15 साल पहले जोधपुर में कर्म संन्यास साधना शिविर लगी थी 8 दिन की। गुरु ने पहली बार वो जो टैप करते थे वो टैप करना बंद करवा दिया था। गुरु बोले ये बात आज अभी का प्रवचन आप टैप नहीं करेंगे। इतने गोपनीय प्रवचन थे सिद्धाश्रम के, लेकिन उस 8 दिन की शिविर में भी और प्रयोग करवाए थे। आज जिस प्रयोग का स्वामी जी ने बताया वो प्रयोग और ये दीक्षा गुरु ने दी थी। उस टाइम में भी 8 दिन की स्थिति थी। सिद्धाश्रम के गुप्त से गुप्त रहस्यों को उद्घाटित किया था गुरुदेव ने, और उस समय भी जो आज दीक्षा प्रदान करने की बात हो रही है उस टाइम नहीं हुई थी। 50 साल के बाद भी हम नाराज थे। मेरे और गुरु भाई भी यहाँ बैठे हुए हैं, ये जो मैं बात कर रहा हूँ इसके साक्षी हो। और आज हमारा भाग्य हिमालय का है, वो दिव्यतम आश्रम हमारा लक्ष्य एक ही है, क्योंकि हमारे पिता, हमारे आराध्य जिस स्थल में निवास स्थान कर निवास करते हैं, एक पुत्र अपने पिता के निवास स्थान को देखना चाहेगा, जरूर चाहेगा। और सिद्धाश्रम हमारे गुरुदेव का निवास स्थान है, जहां गुरुदेव वितरण करते हैं, जहां गुरुदेव के नाम से सब परिचित है। गुरुदेव आधार स्तंभ है, गुरुदेव के पास उनके जीव पर एक प्रिय नाम है निकलेश्वरानंद। हमारी धरोहर कितनी बड़ी है, हम गुरु के शिष्य हैं, वो धरोहर का कितनी जो ग्रंथ है। निकलेश्वरानंद, स्वामी सच्चिदानंद और परब्रह्म परमात्मा, हम किस कड़ी से जुड़ने जा रहे हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। हमारे समझ में आने वाली बात है, कैसे समझ में आएगी। कभी कभी ऐसा होता है जीवन में और परमात्मा इतना मेहमान हो जाता है जो हम नहीं सोचते हैं, जिसके हम शायद लायक नहीं हो, हम हमें पता नहीं होता है, उसकी जनाया परमात्मा हमें दे देता है। दिनों कहे कर तारा दिने सुख तो रही में करे नहीं तारे, बेटा भयो वासुदेव के दाम और रुद्र की बात पर नंद के द्वारे। वासुदेव के यहाँ जल में पैदा हुआ, लेकिन रुद्र भी सुबह में रुद्र की बात बन रही है। वासुदेव के यहाँ परमात्मा उसे सुख देना चाहता था। एक रात में क्या हो गया किसी को पता नहीं। आज भी कुछ ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। अपने आप कुछ बात बनती जा रही है, अपने आप मेरे शास्त्री जी को इतनी प्रेरणा। और जिंदगी में पहली बार हमारे लिए ये वरदान स्वरूप दीक्षा की याचना करने का, प्रार्थना करने का जो परमात्मा ने हमको ये क्षण दिया है, शायद हमारा सद्भाग्य है। और इससे बड़ी बात तो ये है, कितना प्यार होगा गुरुदेव को हमारे पर कि हमें जो बात कही आज तक उन्होंने मना नहीं किया। इस सागर, पूरा सागर समेटे हुए बैठे हुए अपने अंदर, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या करें। यह परम सौभाग्य है कि ऐसे पिता परमेश्वर गुरु जो भी है नाम से इस ढंग से हम उनसे उनके चरणों में लिपते रहे, उनसे एकाकार हो जाए कम है। हमारे कभी गीत बनाकर उनके दुख बनाए कम है, हम क्या करें उनके लिए। हम कुछ भी नहीं कर सकते,
हम करेंगे सिर्फ समर्पण। उन्होंने दे दिया है बड़े साधन प्रयोग। हम एहसास करेंगे यहाँ बैठे हुए शिक्षा लिए हुए प्रत्येक को एहसास हो जाएगा कि ये पराशक्ति क्या है। सुबह 4:30 से 5:30 बजे के बीच में आप बैठ के गुरु मंत्र जाप करो, आपको एहसास हो जाएगा गारंटी के साथ कि उनकी कृपा का प्रसाद बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। सिद्धाश्रम दर्शन या सिद्धाश्रम प्राप्ति की दीक्षा हमारे लिए हमारे झोली में एक अमूल्य वरदान है, अनन्य है, अद्भुत है। और सबसे बड़ी बात तो है कि आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, हम उनके शिक्षकों में बैठे हुए हैं और एक से बढ़कर एक वरदान दिए जा रहे हैं। हम लायक बने, हम उसे प्राप्त करें, यही उनके चरणों में मेरी प्रार्थना। Thank you.
आ चुके हैं और मेरी भी आप लोगों से यही गुजारिश है, इतने जन्मों के बाद गुरुदेव के चरण कमल मिले हैं और उन्हें हमें छोड़ना नहीं है और हमारी एक ही प्रार्थना होगी, लेकिन आप पूरी तरह झूम के ये कहेंगे, झूलेंगे